हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोकपालट नंदलाल मौर्य आप लोगों को महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और मेरा क्वेश्चन जो है 56 है और 56 के ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। आगे देखिएगा कैसे सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 41, 47, 168, 210 और 315 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो पूछ रहा बड़ी सी बड़ी संख्या, जब कहीं संख्या दिया हो बड़ी सी बड़ी संख्या तो ये समझ लीजिए वहाँ यच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? यच सी एफ निकालना है। तो देखते हैं जो संख्या मान दिया गया है इसको हम लिखते हैं 147, 168 और 210 और 315 ये दिया गया है। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले किससे काटेंगे? 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 3 7 और 7 2 14, 7 4 28 और 7 3 21 और 7 4 28, 7 5 35, 35 हो गया। अब किससे काटेगा? 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 3 10 30, 3 1 3, 3 3 15। ये अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सब विषम और सम संख्या है तो इसमें से कामन, इन सभी में से कोई संख्या कामन नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो बची हुई है, जो कामन हुआ है वही हाईएस्ट कामन फैक्टर हो जाता है। तो आपका बचा क्या है? एच सी एफ आपका हो जाएगा 3 × 7, तो ये हो जाएगा 7 3 21। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यही आपको वह बड़ी सी बड़ी संख्या हो गया जो पूरे को विभाजित कर दे। तो आपका 21 ये बड़ी सी बड़ी संख्या है जो सभी को विभाजित कर देगी। इस तरह से क्वेश्चन इस साल। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी बड़ी संख्या है, जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। इसका मतलब वह कौन सी बड़ी संख्या है जो इन दोनों में से कॉमन हो जाए और भाग दें, तो इसमें से, इस संख्या में से अगर भाग दिया जाए, ये इसमें से 15, 30, 45, 60 में से अगर इसमें और इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 11 और 13 बच जाए। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या निकालेंगे? एचसीएफ तो इसको ये 30 दिया गया है, 30 26, और ये दिया गया है 5 0 और 53। पहले कह रहा है ये जो शेष बच रहे हैं इसको कामन ले लीजिए, घटा दीजिए, आपको घटा देना है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 103, 3015 और ये हो जाएगा 050, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 0 ये हो गया। अब कह रहा है इसको फैक्टर कर लीजिए। इसको फैक्टर करेंगे तो 30 15 0 40 ये दिया गया है। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले किसे काटेंगे? 5 से काटिए क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 और 0 मिल रहा है। देखिए लास्ट में 5 और 0 मिल रहा है, इसे 5 से कट जाएगा तो 5 6 30 और 5 3 15 ये हो जाएगा 5 1 5, 5 8 40 और फिर 3 से कटेगा, 3 2 6 0 1 और 3 3 9, 3 6 18। अब किसे कटेगा? 3 से कटेगा और ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6। अब ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ संख्या विषम और सम संख्या हो गया तो इसमें से कोई संख्या कामन नहीं हो सकता है। तो ये आप हो जाएगा 5 × 3 × 3 बराबर हो जाएगा 9 5 15 45। इसका मतलब ये कह रहा है इस संख्या से अगर इसमें इसमें भाग दिया जाएगा, इस संख्या से अगर इसमें इन दोनों में से भाग दिया जाएगा तो शेषफल आपका 11 और 13 बचेगा। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था।
तो ये हो गया हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या 45। तो ऑप्शन में 15, 30, 45 और 60 दिया गया है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ये आ गया 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है 57 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर, वह बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसको पहले इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें में से इसको घटाएंगे और इसमें में से इसको घटा देंगे, देखेंगे कॉमन जो आएगा उसी का फैक्टर किया जाता है। ये जैसे आपको दिया गया है 2, 2, 3, 3 में से 187 घटा देंगे और 279 में से 187 घटा देंगे और क्या बचा है, 233 में से 279 घटाएंगे। अब इसमें जो मान आएगा, इसमें इसमें वैसे क्या क्या है, इसमें वैसे इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, एक एक करके सबको घटा दिए, सभी में से घट गया ना। आप इसको घटा दीजिए, 13 में से 7 गए, 7 6 13 ना, ये होता है, ठीक है, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से फिर काम लेंगे, 12 12 में से 8 गए, 4 हो जाएगा, 46 हो गया। इसमें भी घटाइए, 9 में से 7 गए, 2, 9 में से 7 गए, 2, और यहां पर 9, यहां 17 में से 8 गए, 9 8 17 होता है ना, 92, इसमें में से घटाएंगे तो 46 आ जाएगा ये भी, ठीक है। अब ये आप इसका फैक्टर कर लीजिए, एच सी एफ निकालिए, एच सी एफ ये निकालेंगे 4692 और 46, इसमें से फैक्टर करेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, 46, 1, 2 और 3 हो रहा, सॉरी यहाँ 1 हो गया, इसका दोना होता ना, 6 2 12, इसका दोना 92 का दोना 46 होता, तो आपका ये सी एफ क्या हो गया, ये सी एफ आपका आ गया 46, ये आपका आंसर हो गया। ये इस तरह से लगाएंगे, अब ऑप्शन में क्या आ रहा है, आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ये देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से लगाया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कह रहा है, वह बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, पहले ये जो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ये संख्या दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको पहले पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया गया है ये शेष कितना है, 12 बचे हुए हैं, 12 बचे हुए हैं, 12 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये मान आपको दिया गया है 3, इसका मतलब इसको घटा दीजिए, 56 में से 12 घटा देंगे, 18 में से 1868 में से 12 घटाएंगे और 2764 में से 12 घटाएंगे। अब इसका जो मान आ रहा है इसको मान निकाल लीजिए, क्या है, 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 1 गए 4 और ये 13, इसको घटाएंगे, 8 में से 2 गए 6 और 5 18, इसको घटाएंगे, 2 और 4 यहाँ 5 हो जाएगा और 27, ये आ गया। अब देखिए ये फैक्टर में कर सकते हैं और दोनों तरह से लगा सकते हैं, फैक्टर मैं कर दे रहा हूँ, इसको फैक्टर करता हूँ, देखिए पहले 2, 3, सॉरी 4, 4, 1856 और 2752, यहाँ जब भी कहे बड़ी संख्या निकालने के लिए तो इसका मतलब समझ जाइए महत्तम समापवर्तक ही निकालना है,
वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है? अब वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है, इसका फैक्टर लेंगे, क्या निकालेंगे? एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसमें सीधे सीधे पहले दो से काटेंगे, 2 6 12, 2 7 14 और 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 से 2 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, और फिर 2 से 2 4 8, 2 6 12 और 2 4 8, इसे काटेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 4 8, ये कटेगा, 2 कम 2, 2 2 कम 2 और 2 6 12, फिर काटेंगे, 2 कम 2, 2 7 14 और 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, 2 4 8 और 2 2 4, और ये हो 2 5 10, 2 8 16, और ये हो जाए 2 8 16 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 21, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 9 18 और 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, अब ये कटेगा नहीं। अब ये देखिए सम और विषम संख्या क्या है, ये कटेगा नहीं क्योंकि 43 किसी से कॉमन नहीं हुआ, 29 भी कॉमन हुई, ये तो ये दोनों संख्या क्या है, ये किसी से कॉमन ही नहीं होगा, तो इसलिए आप जो आपका मान आया क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 1 6, ये हो गया, इसको बड़ा 2 × 2 2 4 2 8 2 16, 2 × 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, ये गुणा करने पर आपका 64, यही वो संख्या है जो इसे भाग दिया जाएगा और शेषफल 12 बचेगा, मतलब इस संख्या से, इस 64 वाली संख्या से इसमें अगर भाग दिया जाएगा तो आपका 12 शेष बचेगा, ये पूछ रहा था। तो ये इस ऑप्शन में देखिए, ए बराबर 64, बी बराबर 124 और सी बराबर 156 और डी बराबर 216 दिया गया है, तो आपका आंसर पहला सही हो गया, 64 आंसर सही हो गया, ये इस तरह से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, 59 दिया गया है, इसमें कह रहा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। इसका मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या कह रहा है, तो महत्तम समापवर्तक ही निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो मान दिया रहता है, जो शेषफल रहता है, उसको पहले घटा दिया जाता है, क्या किया जाता है, जो ये आपका आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया, उस जो शेष फल दिया रहता है उसको पहले घटा दिया जाता है, क्या है, एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ निकालते हैं क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है, तो एच सी एफ निकालेंगे। अब ये दिया गया है 964 और ये दिया 1238, ये दिया गया है 1400, ये क्या है 1400 दिया, इसमें क्या रहा है 41 घटा दीजिए, इसमें कह रहा है 51 घटा दीजिए, इसमें कह रहा है 31 घटाने, 31 घटाने पर, और ये कह रहा 51 घटाने पर, अब इसको क्या है घटाते हैं, क्या होगा, 4 में से 1 निकालेंगे 3 बचेगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 बचेगा और 9, इसको घटाएंगे, 8 में से 1 निकालेंगे 7 बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1200, इसको घटाएंगे 9 हो जाएगा, इसको 9 में से 5 निकालेंगे 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका दिया गया। अब क्या रहा है, ये क्या दिया गया है, अब इसको भाग दे दीजिए, ये जो मान दिया गया है इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कैसे क्या आ जाएगा, पहले 900
23 से भाग देंगे 1207 में, भाग देते हैं क्या हो जाएगा, इसको एक बार जाएगा ये 923, ये हो गया 7 में से 3 गए 4 और 10 में से 2 गए 8 और ये हो गया 10, 11 में से 9 गए 2, फिर भाग देंगे 9 2 3, इसको फिर भाग देंगे 2 चौक 8 4, 3 बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 4 3 12 के लिए 2 1 हासिल, 8 3 24 एक 25 और 3 2 6 2 8, ये हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे 13 में से 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 5 गए 7 और ये आपका कट गया 41 आ गया। अब 284 ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 कम 4 और 4 सते 28, इसका मतलब किससे विभाजित हो रहा है, 71 से, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 71। अभी एक और बात है, ये दिया है कितना है 1349 दिया है, इसको भी 71 से भाग देंगे, इसको भाग देंगे तभी पता चलेगा, मतलब ये आंसर आ चुका है। लेकिन आगे क्या है, 7 3 7 1 7 ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे 3 और 5 6 7 6 13 हो जाता है 9। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 कम 9 9 से 63 ये आपका ये कट गया। इसका मतलब इसको विभाग देने पर विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा आंसर बी आपका सही हो गया। पूछ रहा था वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी सी बड़ी संख्या 71 है, 71 है और इसमें अब भाग देंगे, इस तीनों में से अगर भाग देंगे हैं तो पहले से भाग देंगे तो 41 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे 71 से तो 31 शेष बचेगा और 1400 में भाग देंगे 51 शेष बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होगा, तब तक के लिए नमस्कार।